अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको फोंडेंट जिम थीम केक बनाना सिखाऊंगी। समर के वेदर में किस तरह से आपको फोंडेंट केक बनाना है, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चॉकलेट केक अंदर का रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 6 इंच के पैन में 2 चॉकलेट केक्स लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ही 6 इंच की रेसिपी थी, बट उसको 2 पैंस में डिवाइड करके इसलिए बनाया ताकि वो जल्दी बेक हो जाए। ठीक है, ऊपर से चॉकलेट केक में जो है अमूमन इस तरह से टॉप ऊपर से ऊपर आ जाता है, जिसको लेवल हमें करना पड़ता है लाजमी। तो ऊपर से हम थोड़ा सा इसको लेवल कर लेते हैं, बट ये कि हम मैं इसमें लेयरिंग्स नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये केक 2.5 पाउंड का तैयार करना है। तो अगर मैंने इसमें और लेयरिंग कर दी तो ये केक 3 पाउंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए हम लेयरिंग्स भी तब बढ़ाते हैं जब हमें केक का वेट बढ़ाना हो। और इस केक में एयर बबल बहुत ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि मैंने इसे टैप नहीं किया होगा सही से। इस वजह से चॉकलेट केक को थोड़ा अच्छे से टैप कर कर फिर ही बेक किया करें, ताकि बड़े बड़े बीच में ना एयर बबल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो आफ्टर बेकिंग बड़ा जो है ना बुरा लगता है अगर ज़्यादा हो तो। बट ये कि टॉप में हो जाता है, अंदर नहीं होता, ये अमूमन ये प्रॉब्लम आपकी। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने चॉकलेट गनाश बनाई है 3:1 के रेशियो से, यानी कि 3 पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम। इसके रेशो से हमने गनाश रेडी की है और थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स के साथ हम इसे जो है बना रहे हैं। ऊपर की कवरिंग के लिए जो है हम गनाश लेंगे 4:1 के रेशो से, यानी कि 4 पार्ट हम लेंगे चॉकलेट का और 1 पार्ट हम लेंगे क्रीम। यानी कि 200 ग्राम हमारी चॉकलेट है और 50 ग्राम इसमें सिर्फ क्रीम है। ठीक है, तो ऊपर जो कवरिंग में रेशो यूज़ करनी है वो 4:1 का रेशो है, क्योंकि गर्मी का वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगेन समर भी है, सॉरी समर कह रही हूँ, रेनी वेदर है, तो आपने चॉकलेट का रेशो जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, केक को फ्रिज में चिल कर देना है। जब आप केक को 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में चिल कर देंगे, देन आप उसके ऊपर गनाश लगाएंगे, तो फिर इजीली इस तरह से आपकी चॉकलेट लग जाएगी। पहले क्या करना है, आपने अच्छे से चारों तरफ चॉकलेट केक सॉरी गनाश से चॉकलेट को कवर कर दिया। आपने कवर कर देने के बाद फिर स्क्रैपर लिया और स्क्रैपर से फिर इसको स्मूथ किया। केक अंदर से क्योंकि ठंडा होगा, इस वजह से इजीली इस तरह से जो है चॉकलेट इसके ऊपर चिपक जमती जाएगी और आपकी अच्छी सी एक फ्रॉस्टिंग केक के ऊपर हो जाएगी। तो ट्रिक ये थी कि आपने केक की लेयरिंग की और आधे घंटे के लिए इसको रखा फ्रिज में या फ्रीज़र में, देन आपका केक जब ठंडा हो गया फिर आपने उसके ऊपर गनाश किए लगाया ऊपर 4:1 वाला रेशो। अच्छा, यहाँ हम जो है कवर करेंगे फॉन्डेंट से, तो यहाँ मैंने ऑरेंज कलर की फॉन्डेंट ली है जिसको मैंने खुद से बनाया है, रेड और येलो कलर की फॉन्डेंट को मिक्स करके। ठीक है, जब तक कि हम फॉन्डेंट से जो है अपने बेलेंगे, इतनी देर में हम केक को रख देते हैं फ्रीज़र में, ताकि केक हमारा थोड़ा अच्छे से चिल हो जाए। केक को बहुत देर तक फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखते, वरना जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा केक जो है गीला गीला सा, शाइनी शाइनी और चिकना चिकना सा हो जाता है, जिससे वो अच्छा लुक नहीं आता। ठीक है, ये अक्सर बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसका रीज़न यही है कि आप केक को बहुत देर तक फ्रिज में रख कर ठंडा कर देते हो, जिसकी वजह से उसके ऊपर जब उसको आप बाहर निकालते हो, आप देखें जब हम एक पानी की बोतल लेते हैं उसको जब बाहर निकालते हैं तो वो किस तरह से उसके ऊपर स्वाइटिंग होने लगती है, सेम इसी तरह से केक के साथ भी होता है। जब हम बहुत देर तक फ्रिज में केक रख देते हैं बनाकर, तो फिर वो बाहर निकालने के बाद इसी तरह स्वाइट होता है। अच्छा, इसका ये है, अगर आपने फ़ौरन कवरिंग नहीं करनी केक के ऊपर, तो आप केक को बाहर रख दो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो। बट जब आपने फॉन्डेंट चढ़ाना हो तो आप 10 मिनट पहले उसे फ्रीज़र में रख कर थोड़ा सेट करो, फिर देन आप उसके ऊपर फॉन्डेंट चढ़ाओ, क्योंकि जब आप फॉन्डेंट चढ़ाओगे तो आपका केक ऊपर नीचे वाला बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी चॉकलेट स्टिकी नहीं हो, बिल्कुल हार्ड जमी भी हो। ओके, यहाँ पे ये थी सारी ट्रिक्स टिप्स समर के वेदर के लिए भी और नॉर्मल वेदर्स के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की जो फॉन्डेंट थी वो बिल्कुल अच्छे से थिन सी बेल ली। कोशिश करा करें जितना थिन फॉन्डेंट बेल सकें, क्योंकि फॉन्डेंट की मोटी लेयर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब देखें चॉकलेट केक बिल्कुल, क्योंकि हमारा चिल था तो कितने इजीली मैं इसके ऊपर जो है फॉन्डेंट चढ़ा रही हूँ, और फॉन्डेंट को किस तरह से मैं कवर कर रही हूँ ये सारे स्टेप्स भी देखें। कि सबसे पहले तो हमने एजेस को, शार्प एजेस को बना लेना है हाथों की हेल्प से ही। देखिए सारा काम मैं कर रही हूँ,
पहले आपने शार्प एजेस कर लिए, ऊपर की सरफेस आपने स्मूथ कर ली, ठीक है। फिर आपने साइडों में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा एक एक साइड को करते जाना है, एकदम से आप चारों तरफ को नहीं कवर कर सकते, आपने थोड़ा थोड़ा सा नीचे करना है एक एक साइड से फॉन्डेंट, और एक एक तरफ से नीचे से सीधा करना है, क्योंकि ना नीचे प्रॉब्लम ये आती है कि नीचे फॉन्डेंट में बल आने लगता है। ऑब्वियसली नीचे जो है फॉन्डेंट ज़्यादा होती है तो उस पर एक के ऊपर एक बल आने का खतरा होता है। ये बल इसी तरह ख़त्म होते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सा फॉन्डेंट को नीचे की तरफ सीधा करें और फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा नीचे करें, तो आपकी थोड़ी इस तरह से जो है जब आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से फॉन्डेंट ईजीली चढ़ती चले जाएगी। अगर बिल फर्ज एंड में कहीं पे थोड़े बहुत बल वगैरह रह भी जाते हैं तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब हम जो है बॉर्डर लेस वगैरह कुछ भी लगाते हैं डेकोरेशन, उससे जो है वो सारी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, अगर कहीं पे भी आपकी फॉन्डेंट क्रैक आ जाए या फट जाए या कोई बल वल आ जाए तो उसको भी जो है हम ज़रा सा पैचअप शैचअप लगा कर जो है छुपा लेते हैं। और जब आपको नीचे बॉर्डर लेस लगानी हो तो आप रफली जो है इसको साइड से कट कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप थोड़ा सा बड़ा रखें। जब हमें नीचे बॉर्डर लेस नहीं लगानी होती ना तो फिर हम थोड़ा सा फॉन्डेंट को ज़्यादा रख कर कट करते हैं नीचे, ताकि फिर एजेस वगैरह सारे कवर अप हो जाएं, ठीक है। बट अभी तो हमने इस पर बॉर्डर लेस लगानी है इसीलिए हमने थोड़ा सा ऊपर तक ही कटिंग कर दी थी नीचे की। अच्छा, ऊपर जो है मैं चाह रही हूँ इस तरह से एक सर्कल सा डिज़ाइन रख दूँ जिसके ऊपर जो है अरेंजमेंट करूँ, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैंने 5 इंच का जो है एक 5 इंच नहीं 4 इंच का 4 इंच का मैंने एक जो है सर्कल कुकी कटर ले लिया और उससे मैंने ग्रे कलर का फॉन्डेंट लिया और वो इसके ऊपर मैंने लगा दिया। ये जस्ट अपनी मेरी एक डेकोरेशन का आइडिया है, आप चाहें तो सिंपल उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रे कलर की फॉन्डेंट सेंटर पे रखी और देन ही आपने उसके ऊपर किया। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, हम साइडों पे जो है बॉर्डर लेस लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने बॉर्डर मोल्ड ले लिया और फॉन्डेंट को हम इस तरह इस पे डालेंगे और बॉर्डर लेस से इसको एजिस को छुपा देंगे और डेकोरेट कर देंगे। अगर आपके पास बॉर्डर लेस वाला मोल्ड ना हो तो आप सिंपल जो है एक रिबन की तरह ट्विस्ट कर कर भी एक जो है रस्सी बना लीजिएगा और उससे भी कर सकते हैं, और या फिर आपके पास एक आइडिया ये है कि आप जस्ट सिंपल स्ट्राइप कटें और देन उससे भी उसको बॉर्डर को बना सकते हैं कट करके, ठीक है। इट्स अप टू यू कि अब आप इसमें आपके पास जो चीज़ें हैं मौजूद आप उससे अपनी क्या एक कोई भी क्रिएशंस करते हैं। यहाँ पे हमने जो है जिस नाम का जिम का लोगो है वो प्रिंट आउट करवा लिया, उसको कट कर लिया और इस तरह से स्टिक को रख कर जो है मैं टेप से इसमें अटैच कर रही हूँ। फॉन्डेंट के साथ भी आप इस तरह से टॉपर लगा सकते हैं, यानी कि फॉन्डेंट ब्लैक कलर का या कोई भी कलर का फॉन्डेंट रखें, उसके ऊपर ये नॉन एडिबल पिक्चर लगाएं, देन आप स्टिक से इसको अटैच कर दें, ठीक है। बट मैं टेप से कर रही हूँ जब, क्योंकि ये नॉन एडिबल है तो फॉन्डेंट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आजकल जो है फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो कोशिश करें कि यूज़लेस कामों में आप लोग जो है जो नॉन एडिबल हो टॉपर उनमें फॉन्डेंट यूज़ ना करें, सेव करें फॉन्डेंट, ठीक है। अब हम जो है फॉन्डेंट टॉपर्स बनाने के लिए ब्लैक कलर की फॉन्डेंट ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमने टाइलर्स पाउडर ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, बताती चलूँ, आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है इस वजह से हम केक को रेडी करने के बाद जो है टॉपर्स को रेडी कर और हाथ के हाथ ही इसकी डेकोरेशन करेंगे, वरना मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि टॉपर्स बनाकर एक दिन पहले रख दें ताकि टॉपर्स अच्छे से ड्राई हो जाएं। बट इन बारिशों के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ आपने टॉपर्स बनाकर रखे और नेक्स्ट डे आपने उठाया उसको कि केक के ऊपर अब मैं इसको अरेंजमेंट कर दूं, तो वो केक जो है ना आपके सारे टॉपर्स मेल्ट हो रहे होंगे और वो ड्राई होने की बजाय स्टिकी हो जाएंगे। ये ऐसा हुआ था कुछ मेरे साथ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि बहुत बुरा रहा था और मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है, तो मैंने भी तजुर्बा कर ही इनकी चीज़ सीखा। बट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मेरे तजुर्बे से सीखें और आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो याद रखिएगा, बारिशों वाले वेदर में जो है हम टॉपर्स को बनाकर नहीं रखते, क्योंकि वो ड्राई नहीं होते, क्योंकि हमारे वेदर में मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा और नमी होने की वजह से वो फॉन्डेंट में नमी आती है और फॉन्डेंट ड्राई नहीं होता और फॉन्डेंट और ज़्यादा स्टिकी होकर चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, सिंपल आपने कोई नोजल्स ले लें, कोई भी गोल कटर ले लें, ढक्कन ले लें, कोई भी सर्कल चीज़ ले लें आप, क्योंकि डंबल्स का कोई साइज़ नहीं होता, मुख्तलिफ साइज़ में आप डंबल्स आप बना सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक उसका साइज़ नहीं है, बड़े छोटे हर साइज़ में आप डंबल्स बनाएं। जिम थीम है, डंबल्स तो होने चाहिए, डंबल ही जिम थीम की एक्चुअल ब्यूटी होती है, तो आपने हर साइज़ के डंबल्स बनाने, ठीक है।
खूबसूरत खूबसूरत से गोल गोल से छोटे छोटे से आपने डम्बल्स बनाने हैं। और आपको जहाँ लगता है कि हाँ कहीं पे केक मेरा जो है क्रैक आ गया या कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ भी आप उस डम्बल को लगाकर ऐड छुपा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी भी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो है आपको मैं देते रहती हूँ। ये मिनी साइज़ के स्टैम्प्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 और 0 ले लिया और 5 ले लिया, जिससे मैं 10 यानी कि 10 स्टैम्प कर देती हूँ एक पे, और किसी पे मैं 50 स्टैम्प कर दूंगी। आप अपने अप टू यू तरह से स्टैम्प्स कर दीजिएगा। इससे बड़ा अच्छा सा जिम का ना, मतलब सॉरी डम्बल्स का बड़ा अच्छा एक लुक आता है ओरिजिनल वाला स्टैम्प यूज़ कर देने से। और अगर आपके पास स्टैम्प ना हो तो सिंपल आप जो है फूड मार्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर गोल्डन जो है ग्लिट डस्ट से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डम्बल्स रेडी। जिम है तो डम्बल्स तो बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे डम्बल्स रेडी कर लिए। अब हमने ले लिए यहाँ पे लॉलीपॉप स्टिक, और स्टिक को हम जो है कट कर लेते हैं अपने साइज अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, आप चाहें तो शाश्लिक स्टिक जो होती है वो भी लगा सकते हैं। लॉलीपॉप स्टिक थोड़ी सी मोटी होती है और अच्छा लुक देती है, तो यहाँ मैं लॉलीपॉप स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हल्का सा आपने इसको पानी से लगाकर अटैच कर देना है, और इस तरह से आपके डम्बल्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। और आप इसमें जो है मुख्तलिफ साइज़ के डम्बल बना लीजिएगा, छोटे वाले भी बना लीजिएगा, थोड़े से लंबे वाले भी बना दीजिएगा। डिफरेंट साइज़ के डम्बल्स जो हैं आप इस तरह के बना लीजिएगा। ये लॉलीपॉप स्टिक है तो थोड़ी सी मुश्किल से कटती है, बट कट जाती है। एनीवेज होती कागज़ की है, थोड़ा हार्ड कागज़ होता है बस ये। अच्छा, ये देखें किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम आपने भी इसी तरह से करना है। वैसे अगर वेदर अच्छा हो तो आप ये सारी चीज़ें बनाकर एक दिन फिर पहले बनाकर रख दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अभी इन बारिशों के मौसम में ये मत कीजिएगा, रिस्की है बहुत। ठीक है, और क्या होता है, बस यही इसका सिंपल सा ये ट्रिक्स था और टिप्स थे जो कि रेनी वेदर में होते हैं, और वही सारी टेक्निक्स हैं बनाने वाली सिंपल सिंपल सी। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है रेनी वेदर में वो भी मुझे अपना ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है मुझे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग के साथ क्या क्या होता है और आपके क्या तजुर्बे रहते हैं, और आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा होता है ये भी ज़रूर बताया करें कि क्या मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। अच्छा, सिंपल सा अब हम क्या करेंगे, वो जो गोल सा एक डम्बल नुमा होता है गोल सर्कल में, वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल बॉल बनाया, तो सिंपल आपने बॉल बनाई, ऊपर जो है हल्का सा स्मूथ का वो आपने डॉट्स दिए इनके उसकी जगह बनाई सुराख सी, और छोटा सा आपने एक नॉट सा बनाकर उसके ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर भी स्टैम्प से जो है ना हम कोई भी नंबर डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं 1 और 0, 10 डाल देती हूँ दोनों साइड पर। यहाँ पे मैंने जो है ना मैट तैयार किया है, सॉरी मैं आपको ये दिखाना भूल गई, अभी जो है मैंने ये मैट तैयार किया है, एक हल्का सा टेक्सचर शीट येलो कलर के ऊपर दिया और देन उसको मैंने ट्विस्ट कर इस तरह से मैट बना दिया। सो बहुत इजी है, ठीक है, ये मैट बनाना। अच्छा, केक के ऊपर मैं रख कर अरेंजमेंट कर रही हूँ, चूँकि मेरे माइंड में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, मैं ख़ुद से ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो मतलब मैं ख़ुद से अपनी अरेंजमेंट कर रही हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अच्छा, ये देखिए आपकी अप टू यू, जब भी कोई आर्टिस्ट केक बनाता है वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करता है और अपनी केक की नीड को देखकर करता है। बिलफर्ज़ अगर यहाँ पे कहीं पे कोई क्रैक होता या कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम मुझे केक में दिख रही होती और उसको मुझे कवर अप करना होता, तो मैं उस जगह पे उस टॉपर को रखकर मैं उस केक के ऊपर डेकोरेट करती, ताकि टॉपर से वो मेरी जो अंदर की मतलब समझे जो भंड है मेरा वो छुप जाए। ठीक है, तो ये एक केक जो है आर्टिस्ट को अपना भंड छुपाना लाजमी आना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे जिस तरह अगर आप वेदर है ये भी बारिशों का, तो अगर आपका समझे क्रैक आ रहा है फॉन्डेंट में, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ इस तरह के छोटे मोटे टॉपर से उस जगह को जहाँ पे क्रैक आया है उसको आप छुपाएंगे। जिस तरह पैचअप लगाते हैं ना, सेम वही काम करना है, आपने भी फॉन्डेंट में पैचअप्स लगाने होते हैं जहाँ जहाँ पे क्रैक्स आ जाएं, जहाँ जहाँ आपको लगे कि नहीं यार ये जगह जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही देखने में, तो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट करें। अच्छा, इसके अलावा अरेंजमेंट करते हुए आपको चीज़ों का एक दूसरे के साथ मतलब समझे उसका कोऑर्डिनेट होना भी बड़ा ज़रूरी है,
यानी कि आपने समझे जिम की अब मैं चीज़ें जिस तरह रख रही हूँ, तो जिम की अब जो है रूप होता है ये ना रस्सी होती है, रस्सी भी आप बना लीजिएगा, बहुत इजी है। येलो कलर का फॉन्डेंट लेकर उसको ट्विस्ट कर लीजिएगा तो रस्सी बन जाएगी। जब हमारा केक छोटा होता है तो उसमें अरेंजमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास डेकोरेशन की, और उसको हमें जो है सेट करना होता है। तो ये भी एक मतलब आपके ऊपर चैलेंजिंग होता है कि आपके ऊपर है ये कि आप किस तरह से जो है इसकी डेकोरेशन करते हो। वैसे तो अच्छा है अगर आप किसी भी एक डिज़ाइन को पहले माइंड में तैयार कर लो, तो उससे ये होती है कि आपको इन द एंड आपको उसकी डेकोरेशन करने में आसानी होती है। जिस तरह मेरे माइंड में कोई पिक्चर नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत देर लगाया इसको उसको डेकोरेट करने में। तो ये देखें हमारा आज का केक जो है तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से जिस तरह मैंने आज आपको बताया है कि समर के वेदर में, रेनी वेदर में किस तरह बनाते हैं केक, इसी स्टाइल से आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस केक का जो वेट आया है वो 1200 ग्राम है, जो कि 2.6 पाउंड्स होता है, ठीक है। और इसको हमने 10 इंचेस के हाइट वाले बॉक्स में डिलीवर किया है, जिसमें आप देख रहे हैं साथ में जो पिक्चर है इस तरह से। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने किस तरह से डिलीवर किया ये भी बता दे, तो मैंने इसे 10 इंच के हाइट वाले बॉक्स में डिलीवर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।